महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के जयस्थल ग्राम में स्थित दुर्दुरेश्वर महादेव 84 महादेवों में 84वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार रघुकुल के राजा परीक्षित एक बार जब शिकार को गए, तब रास्ते में एक सरोवर के निकट उनकी भेंट एक अति सुंदर रमणी से हुई। राजा ने उस पर आसक्त होकर उससे विवाह का प्रस्ताव किया। उस रमणी ने राजा से कहा कि समय आने पर विवाह हो जाएगा। राजा के ये पूछने पर कि वह समय कौन सा है, तो रमणी ने कहा कि जहां जल का स्थान ना हो वही मेरा समय है। राजा उस रमणी को अपने महल में ले आए और उसके साथ रमण करने में इतने व्यस्त हो गए कि वे कामकाज और अपनी अन्य रानी को भी भूल गए। तब राजा के एक मंत्री ने वस्तु स्थिति जानकर राजा के लिए पानी विहीन स्थान निर्मित किया, जिससे राजा सार्वजनिक जीवन जीने लगे। एक दिन वह रमणी उस स्थान पर घूमते घूमते दूर एक बावड़ी तक पहुंच गई, जिसमें ढेर सारे मेंढक थे। रमणी बावड़ी में गई तो लेकिन बाहर नहीं आ सकी। यह सब सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने बावड़ी के सभी मेंढकों को मारने के आदेश दिए। राजा के क्रोध को देखकर एक मेंढक ने कहा कि राजन, क्रोध मत कीजिए, यह कन्या मेरी ही पुत्री है। मैंने गालब मुनि की हंसी उड़ाई थी, जिनके शाप से मैं मेंढक योनि को भोग रहा हूँ। मुनि से जब मैंने अनुनय विनय की, तब उन्होंने कहा था, जब रघुकुल के राजा को अपनी पुत्री ब्याहोगे तथा महाकाल वन के उत्तर में स्थित इस तेजस्वी लिंग की पूजा अर्चना करोगे, तभी तुम मुक्त होकर कृतार्थ हो सकोगे। राजा ने सारी बात समझकर उस मेंढक की पुत्री से विधिवत विवाह किया और तब उस मेंढक ने महाकाल वन स्थित इस दिव्य लिंग की उपासना की, जिसके प्रभाव से वह मेंढक योनि से मुक्त हुआ। दुर्दुरेश्वर के पूजन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राज्य स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उज्जैनी के 84 महादेवों की यह यात्रा अत्यंत पुण्यप्रद है तथा श्रद्धालुओं द्वारा वैशाख, कार्तिक अथवा पुरुषोत्तम माह के अलावा सावन के महीने में भी की जाती है। सिंहस्थ महापर्व के अवसर पर 84 महादेवों के दर्शन पूजन श्रद्धालुओं को मनोवांछित फल प्रदान करने वाले हैं। शिवत से सराबोर उज्जैनी की महिमा में अभिवृद्धि करने वाले सभी 84 महादेवों को हम विनम्र नमन करते हैं। ओम नमः शिवाय। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें। हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।